बाद तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, सेकंड वाला द बिल वाज सेंट अ वीक अगो, कह रहा है जो बिल है उसे एक हफ्ते पहले भेज दिया गया है, सेंड कर दिया गया है। इट हैज यू बाय नाउ, अब तक बाय नाउ यानी अब तक वो आपके पास पहुंच, अब तक इसे आपके पास पहुंच जाना चाहिए, यानी ये दिखा रहा है पास्ट में प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो पास्ट में प्रोबेबिलिटी का जो बात हम इस बात करते हैं शुड हैव, क्या होगा शुड हैव और ब्रैकेट में वर्ब कौन सा है एडिशन तो हो जाएगा रीच, शुड हैव रीच टू बाय नाउ। तो पास्ट प्रोबेबिलिटी को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला है फोर, फोर में देखिए व्हाई डिडंट गीता आंसर द फोन, क्यों गीता ने आया फोन का आंसर नहीं दिया, यानी फोन क्यों नहीं पिक अप किया। सी डेस इट नॉट हियर, यानी कहीं ना कहीं इसमें बता रहा है कि वो शायद पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि वो शायद फोन को सुन ना पाए। तो पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, फास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम पुट है का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नहीं करें नॉट नहीं लगाना है, उसके लिए कौन सा नॉट लगाना पड़ेगा, यानी हो जाएगा कुछ नॉट कुछ है क्लियर। तो करंट कंप्लेन का वर्ड फिर का वर्ड इसी तरीके से पांचवा है लेट्स से चंदिल दैट एवरीवन हैज फिनिश्ड देयर मील,
क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। इस तरीके से सेंटेंस है, ये भी एक सजेशन है। सजेशन कहा जा रहा है कि जब तक हम लोग खाना नहीं खा रहे तब तक हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। तरीके से बाकी सेंटेंस को आपको फिल अप करना है। अब एक्सरसाइज जी की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज जी की तरफ बढ़ रहा है। राइट सिंगुलर रिप्लाई टू द क्वेश्चन, यानी जो निश्चित क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सिंगुलर रिप्लाई आपको देना है। यूज द मॉडल इन योर आंसर, आप जब आंसर देंगे रिप्लाई देंगे तो उसमें आपको क्या करना है, एक मॉडल का इस्तेमाल करना है। जैसे पहला सेंटेंस है, बुक में देखिए लिखा हुआ है, डोंट ड्रॉप द रैपर फ्रॉम द फ्लोर, मेरा फ्लोर पर रैपर को मत फेंको। रैपर जैसे जो हम प्लास्टिक रैपर खाते हैं, खाने के बाद प्लास्टिक से दूसरे को रैपर करते हैं। वेयर विल यू पुट इट, तो आपसे पूछा है इसे कहां फेंकना चाहिए, तो आप क्या जवाब देंगे, रिप्लाई क्या करेंगे। इसका जवाब हो सकता है आर टू टू एट थ्री दस बी। इसमें देखिए फुट मॉडल का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, वेयर बाई टू गो फॉर योर हॉलीडे, कह रहा है कि छुट्टी में आप कहाँ जाएंगे, वेयर बाई टू गो फॉर योर हॉलीडे, आपको छुट्टी में आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना पसंद करेंगे, इसके लिए क्या जवाब देंगे। जवाब लिखा हुआ है एज यू आर एबल प्लेयर, क्योंकि तुम एक अच्छे प्लेयर हो, टीम माइट सफर रिकवरी, तुम्हारे गैर मौजूदगी में टीम को इसका नुकसान हो सकता है, टीम माइट सफर इसमें पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि नुकसान हो सकता है। इस तरीके से दिखा हुआ, इसी तरीके से आप फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को भी अपने से रिप्लाई या किसी एक मॉडल का इस्तेमाल करके कंप्लीट कर। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, और वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा टेंसेस।